डील हम करेंगे इसके अंदर प्रीमियर के अंदर, ठीक है। अब ग्रीन स्क्रीन वीडियोज आपको बहुत सारी यहाँ मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आपने सिर्फ ग्रीन स्क्रीन वीडियो लिखना है और आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए एक मिसाल ये आपके सामने, ये खातून खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बेसिकली इनकी वीडियो है नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन पर, हमें देखें ये पीछे ऐसा लग रहा है कि गली के अंदर खड़ी खड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास भी कुछ वीडियोज हैं, एक एक करके हम समझते हैं वीडियोज को, देखते हैं कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास एक वीडियो है यहाँ, ये हमारे पास एक वीडियो है, इसके अंदर डिफरेंट कुछ वीडियो है, गाड़ी आ रही है, ये सब ग्रीन स्क्रीन पे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वीडियो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करी और मैं इसको यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। और सिर्फ स्टार्ट का पार्ट मुझे चाहिए, ये गाड़ी वाला, यहाँ से मैंने मार्क आउट किया जी बेटा, यहाँ से मार्क आउट किया और यहाँ से जाकर मैं बिल्कुल स्टार्ट में इसकी बात राइट एरो की से मार्क की, ठीक है। बाकी वीडियो और यहाँ से मुझे अगर ऑडियो और वीडियो दोनों लेकर आनी होगी यहाँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे ऑडियो वीडियो दोनों आ जाएंगे। अब अगर चेक करते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इस वीडियो की लेयर को ऊपर कर दिया ताकि मैं नीचे कोई और लेयर रख सकूं। अब ये गाड़ी जो है, जब ये ग्रीन स्क्रीन सारी हट जाएगी तो ऐसा लगेगा गाड़ी हवा में चल रही है, मैंने नीचे कोई रोड रखना है या कुछ रखना होगा ना, ताकि ऐसा लगे कि गाड़ी प्रॉपर अंदाज में चल रही है। तो मेरे पास एक ये इमेज भी है, मैंने इस इमेज को भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और यहाँ मैं लेकर रख दिया। अब ये पीछे के नहीं, मुझे भी दिख नहीं रही, क्यों, ऊपर पूरी ग्रीन स्क्रीन आएगी। तो मैं 2 मिनट के लिए जरा सा ग्रीन स्क्रीन को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद इफेक्ट कंट्रोल में जाकर जो नीचे रोड वाली इमेज है उसको तो मैं यहाँ जरा सा सेट कर, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसको हाइड को हटा दिया, अब मैंने यहाँ से ग्रीन स्क्रीन को हटाना, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाऊँगा, ये ग्रीन स्क्रीन है मेरे पास, मैं जाऊँगा यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ मैं सर्च करूंगा एक इफेक्ट का नाम है अल्ट्रा की, ठीक है। अल्ट्रा की मैंने सेलेक्ट किया, इस अल्ट्रा की को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कौन सी वाली लेयर पर, ग्रीन वाली, ठीक है। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो क्या हुआ, पूरा एरिया ग्रीन है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इफेक्ट यहाँ आ गया ना, कि हम कुछ करेंगे तो होगा, ये अल्ट्रा की का इफेक्ट यहाँ, ये इफेक्ट कंट्रोल किया, ठीक है। आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि जब भी किसी भी लेयर का इफेक्ट कंट्रोल करना हो, हमने कोई भी इफेक्ट लगाया या कोई प्रॉपर्टी है, साइज को चेंज करनी है, कोई भी ऐसी चीज करनी है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है।
सेलेक्ट नहीं किया हुआ आप बोलोगे सर ये तो अफेक्ट कंट्रोल में कुछ आई नहीं रहा, आई गई नहीं, ठीक है, तो आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इन चीजों को देख सके। आपने कोई भी नया अफेक्ट लगाया है या कोई पुराना अफेक्ट डिलीट करना है या कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करनी है या ओपेसिटी चेंज करनी है या रोटेट करना है, एक्स वाई जेड कोई भी अफेक्ट से रिलेटेड चीज करनी है, वो कहाँ से होगी? अफेक्ट कंट्रोल पैनल से होगी। किससे होगी? या आपके एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है कि अफेक्ट कंट्रोल पैनल और अफेक्ट पैनल के दरमियान आपने कंफ्यूज नहीं होना। अफेक्ट पैनल जो है वो अफेक्ट प्रीसेट्स आपको वो करता है और अफेक्ट कंट्रोल क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस अलग होता है, वो क्या करता है? सिर्फ पासपोर्ट इशू करता है। और किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा इमिग्रेशन से पासपोर्ट कंट्रोल, वो पासपोर्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होता है जो पासपोर्ट इशू किए हुए होते हैं उनको वहाँ से कंट्रोल करता है, ठीक है जी। तो अफेक्ट्स आपने जो भी लगा दी है इसको कंट्रोल करने के लिए आपने अफेक्ट्स कंट्रोल पैनल को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ आते तो हमने भी अल्ट्रा की नाम का अफेक्ट लगाया, तो वो बेसिकली अल्ट्रा की का अफेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई की कलर क्या है, कौन सा कलर पे मैं अफेक्ट लगा दूं और मैं इसको हटा दूं। मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और यहाँ कहीं भी ग्रीन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया क्या हुआ? वो पूरा ग्रीन स्क्रीन हट गई। अब गाड़ी कहाँ है? नीचे। गाड़ी तो हवा में है ना, ऊपर है गाड़ी, तो अब गाड़ी आएगी। साइड से निकल गई ना, रोड आगे जाम था ना, एहतियात हो रहा है, ये गाड़ी साइड से निकल गई, आगे धरना हो रहा है, ठीक है। ये ग्रीन स्क्रीन का आप समझ गए। अच्छा, अब ये तो ग्रीन स्क्रीन की बड़ी अच्छी अच्छी यूट्यूब से उठाई तक क्लिक किया और खत्म। अब कुछ ग्रीन स्क्रीन ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी तंग करने वाली होती हैं, जो कि प्रॉपर शूट हुई होती है। ये तो एनिमेटेड था ना, ये फौरन हट गया, उसको भी हम एक चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये खातून की वीडियो है मेरे पास, ये तो सही, अच्छे वाली अब वो उसमें उसमें इश्यूज है, मैं आपको बताता हूँ क्या इश्यूज है। ग्रीन में भी करेगा, ब्लू में भी करेगा, मगर ग्रीन में ज्यादा अच्छे अंदाज में। वैसे तो हर कलर में कर लेगा, टेंशन नहीं है, मगर अगर बॉडी का कलर शामिल हो गया तो फिर लगता है उसको भी लेके चले जाएगा। अभी हमने ग्रीन पे इसलिए हम कर रहे थे कि टेंशन ना हो। एक वीडियो थी वो आज को देख रहा हूँ कहाँ है वो, ये एक कार्टून के हमारा वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली है, पता नहीं क्या बोल रही है, बोल रही है बेचारी। मुझे ऑडियो की मेरे घर जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने ऑडियो हटा दी, ठीक है, और मैं इसको यहाँ लेकर आ गया, ठीक है। अब ये स्क्रीन पर ये प्रॉपर शूट हुआ है लाइटिंग के साथ, ठीक है, मगर इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कहीं शेडो ज्यादा आ रहा है, कहीं शेडो कम आ रहा है। अब मैं यहाँ से गया अफेक्ट्स के अंदर और मैंने इसके ऊपर भी अल्ट्रा की लगा दिया। अल्ट्रा की लगाने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं गया अफेक्ट कंट्रोल के अंदर, और यहाँ से जाने के बाद मैं गया की कलर के अंदर, मैंने यहाँ से क्लिक करके मैंने यहाँ दबा दिया। अब क्या हुआ, ये हो तो गया मगर देख रहे हैं यहाँ थोड़ा सा रह गया, ठीक है। उसको सही करने के लिए हम नीचे तो चले जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है मैट जनरेशन और मैट क्लीनर, ये आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हर वीडियो के हिसाब से आपने अलग अलग सेट करना होगा। मेरे पास कोई एक रिजिड फॉर्मूला नहीं है कि मैंने आपको बोला कि भाई इतने परसेंट ये लगा दो, इतने पॉइंट आप हाईलाइट को सेट कर लो, इतने पॉइंट को आप शेडो सेट कर लो। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि हर वीडियो की कैलिबर
अलग होगा, हर वीडियो की सेटिंग अलग होगी। तो अब इन सब चीजों को हम आहिस्ता आहिस्ता छेड़ छेड़ के चेक करते हैं कि भाई किससे क्या होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। बैकग्राउंड हम पीछे लगा रहे हैं ना बेटा, अभी समझ लिया हम जिस तरह से फोटोशॉप में बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं ना, इरेज करते हैं, वो काम करना है हमें, मगर वीडियो में करना है, सही है ना। अब सबसे पहले तो मैं ऐसे कंट्रास्ट को थोड़ा सा सेट करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता, जज्बात में नहीं आना, ठीक है। अब कंट्रास्ट को सेट करने क्या होगा कि काफी हद तक रिमूव हो गया। अच्छा थोड़ा थोड़ा उसको सॉफ्ट करता हूँ मैं, हल्का सा, ज्यादा सॉफ्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो उसकी जो डिटेल होगी वो चली जाएगी, उसको थोड़ा थोड़ा आप यहाँ से सॉफ्ट करें, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी यहाँ से वो है हाइलाइट्स हैं, उसको आप चेंज करके देखो, हाइलाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शेडोज अगर मैं कम करता हूँ तो क्या हो रहा है, ऊपर इसके बाल भी खत्म हो रहे हैं। टॉलरेंस को मैं अगर बढ़ाता हूँ तो क्या हो रहा है, देखें ये और कम हो रहा है, क्योंकि अब कम तो क्या होगा, हल्का सा ग्रे शेड यहाँ भी अभी भी बाकी है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पेडिस्टल को बढ़ाया तो क्या हुआ, देखेंगे तमाम तकरीबन आपका सेट हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ थोड़े से और बाल थे ना, थोड़े से ब्लरी पना आ रहा था, तो मैंने इसको मिड पॉइंट से करके इसको सेट कर दिया, ठीक है। ये बेसिक करेक्शन हमारी हो गई। अब अगर मैं इसको कहीं लेकर आता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये फील्ड है, इसको हम खड़ा कर देते हैं कहीं बगीचों में, ठीक है। अब हम चेक करें क्या हो रहा है, ये वेदर अपडेट दे रही है भाई खेतों में, ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा ये मैंने जैसे कि इमेज रखी है पीछे, ऐसे ही आप कोई भी वीडियो भी रख सकते हैं। अच्छा अब आते हैं, वो मुझे एक ने कहा कि वो बच्चे वाली वीडियो, बच्चा नहीं हो, बच्चा लगता है, हाँ सिनान। दूसरा जो है ना उसके अंदर मसला क्या हुआ, सिनान के अंदर मसला नहीं हुआ, सिनान की वीडियो के अंदर मसला हुआ। वो मसला कहाँ है, मसला ये कि ये हमने किया हुआ जुगाड़, ठीक है, और ये हमने यहाँ दीवार पे जो है ना ऐसे दो बंदों ने बांध के रखा, इस पे एक तो स्त्री भी नहीं हुई भी, जिसकी वजह से ये जो ब्लैक शेडोज आ रहे हैं ना अंदर वो ज्यादा आ रहा है। दूसरा ये वो क्रोमा वाला कलर ही नहीं, ये घर वालदा का दुपट्टा लेकर आया था, ठीक है ना, अब वो जो है ना पैरेट ग्रीन कलर है, ये वो वाला कलर ही नहीं। तीसरी चीज ये थी कि हमारे पास लाइटिंग नहीं, हमने यही नॉर्मल लाइट से किया, तो यहाँ अलग शेडो आ रहा है, यहाँ अलग शेडो आ रहा है, यहाँ अलग शेडो आ रहा है। इन तमाम चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, इस वजह से जो है ना वो हमने जब उसको किया, बहरहाल काफी हद तक हमने उसको सही कर दिया, मगर देखिए यहाँ एरर आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो ये उसमें मसला आ रहा था, क्योंकि हमने अनप्रोफेशनल शूट किया, इसीलिए मैंने वो खातून को लेकर आया हूँ मैं, वो प्रोफेशनल शूट हुआ हुआ था तो कितना अच्छे अंदाज से देखो ये चीज आपके पास फिनिशिंग के साथ आ रही, ठीक है। जी जी ऐसा सबसे पहले यही बताना है उसको ना, मेंबर को तस्वीर भाई के अलावा